दिनांक 30/10/2021 को सदर तहसील के अंतर्गत थाना सदर स्थित डिफेंस कॉलोनी गीता ज्ञान पब्लिक स्कूल के सामने विवादित कब्रिस्तान में मुस्लिम समाज ने जबरिया मुर्दे को दफन किया था कि बेहद गंभीर और अति संवेदनशीलता तथा शांति व्यवस्था के लिए तत्काल विवादित कब्रिस्तान में मुर्दों को दफन प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी आगरा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि भविष्य में डिफेंस कॉलोनी स्थित विवादित कब्रिस्तान में यदि मुस्लिम द्वारा किसी भी शव को दफनाने का प्रयास किया गया तो निश्चित रूप से क्षेत्र में दोनों समुदाय हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव व झगड़ा व संघर्ष के सम भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कब्रिस्तान में आज वर्तमान में कब्रिस्तान संपूर्ण हिंदू बहुल क्षेत्र है। जागरण ये जमीन है वो किसकी जमीन है? वो जगह अभी विवाद विवादित जगह है जहाँ कुछ बाहुबली मुसलमान वहाँ विवादित जगह को अपना अपना बनाना चाह रहे हैं, जो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और आज हम जिलाधिकारी साहब के पास में आए हुए हैं इसलिए कि वो इस जगह को ढंग से जांच करके निरीक्षण करके इसका पूर्ण रूप से इसको बंद करा दिया जाए। ज्ञापन किसको दिया है? डीएम साहब को। चार हिंदू जागरण मंच का प्रांत प्रमुख भूमि संरक्षण ज्ञापन का विषय बेहद संवेदनशील है। 30 अक्टूबर 2021 को आगरा थाना क्षेत्र पड़ता सदर बाजार, वहाँ एक हमारी कॉलोनी है डिफेंस कॉलोनी, उस कॉलोनी में एक हमारा स्थान है और उस स्थान का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहाँ मुसलमान समाज के लोगों ने जबरदस्ती वहाँ एक अंत्येष्टि करी किसी की, हमारी भाषा में अंत्येष्टि कहते हैं, हम अंत्येष्टि कहेंगे क्योंकि हम अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ेंगे। इसमें सबसे बड़ा अफसोस का विषय यह है कि इंस्पेक्टर सदर को ये पावर, ये अधिकार शासन ने अभी तक नहीं दिया है कि वो किसी भी हिंदू समाज की भावना को अपमान करके जबरदस्ती मुस्लिम समाज के लोगों के शवों को दफनाएगा और उसको बेवजह कब्रिस्तान घोषित कराएंगे। इंस्पेक्टर साहब ने ये अस्वस्थ परंपरा चलाई है और इसके खिलाफ हम एसएसपी साहब से भी भेंट करेंगे और एसएसपी साहब से कहेंगे कि ऐसे इंस्पेक्टर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और भविष्य में अगर कभी भी मुस्लिम समाज के लोगों ने वहाँ इस तरह का कृत्य किया तो वहाँ संघर्ष की स्थिति बनेगी और हिंदुत्व के लिए हम लड़ेंगे और हिंदू समाज के लोगों की मान सम्मान सुरक्षा, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी संपत्ति की सुरक्षा के